अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजन्स। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं दावत में जो हमने बेहतरीन से क्यूजन्स बनाए थे उसका एक छोटा सा व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मीठे में शिरकुरमा बनाया, कि बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है शिरकुरमे की। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हमने प्रिपेयर किया भुना गोश्त लाल मसालों में, और बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा भुना गोश्त बना था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा भुना गोश्त बनता है। और इसके साथ ही हमने बनाया बेहतरीन सी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी आपसे शेयर की है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप ज़रूर देखें और ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तमाम मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से भून लेना है, और उसके बाद मैरिनेटेड चिकन ऐड करना है। तो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, और जब मसाला भून गया उसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन को भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है मसालों में, और इसके बाद जो हमने राइस कुक करके रखा था वो राइस इसके ऊपर ऐड करके दम पर रख देना है। बहुत ही सिंपल है, और इसके बाद बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सी डिश है, और ज़रूर ट्राई करें। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, उसके बाद राइस का लेयर कर देंगे। अब सारे कलर्स ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करेंगे, और साथ में घी, और इसके साथ बिरिस्ता भी ऐड करेंगे, और उसके बाद बिरयानी को दम पर रख देंगे। दैट्स इट, बिरिस्ता ऐड करके बिरयानी को दम पर रख देंगे, और जब बिरयानी रेडी हो जाएगी तब उसे सर्व करेंगे।
बहुत ही लजीज और बेहतरीन सी चिकन बिरयानी की रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। और साथ ही हमने बनाया मज़ेदार से शामी कबाब। शामी कबाब का जो बैटर है वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, बस इसे क्रिस्पी फ्राई करना है और इसके बाद गर्मा गर्म सर्व करना है। शामी कबाब की रेसिपी आपसे ऑलरेडी शेयर किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इसकी रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा और ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल और इजी शामी कबाब की रेसिपी है और बेहतरीन से कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और स्पेशली नान के साथ भुना गोश्त और शामी कबाब सर्व करेंगे। तो ये सारे क्यूजन्स हमने बनाए थे दावत के लिए स्पेशली, तो ये एक छोटा सा ब्लॉग आपसे शेयर किया है जिसमें हमने प्रिपेयर करते हुए बताया है शिरकुरमा, भुना गोश्त और बिरयानी और साथ में शामी कबाब। ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।